तो किसान भाइयों देखो चक्करों को चेंज करके दिखा रहे हैं अपने करमवीर जी हैं जो। इस रिपर को आप जिस भी ट्रैक्टर पे चलाना चाहो उस ट्रैक्टर के ऊपर चला सकते हो, ये नहीं है कोई पूड़ी बदलने का झंझट नहीं। नमस्कार किसान भाइयों, आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली अपनी, जो दशमेश की 517 मॉडल स्ट्रा रिपर इसके ऊपर बनाएंगे। और वीडियो बनाने के लिए पहुंचे हैं बरवाड़ा एग्रो वर्क्स में, पहुंचे हैं बरवाड़ा के अंदर अपने। तो चलिए करमवीर जी से इनके बारे में जानकारी लेते हैं। राम राम करमवीर जी। राम राम जी। तो करमवीर जी आपका सबसे पहले नाम पता एड्रेस दें हमें। मेरा नाम करमवीर खरब, बरवाड़ा से हैं, बरवाड़ा एग्रो वर्क्स अपनी फर्म का नाम है। तो कंपनी के डीलर हम। अच्छा जी। तो कसमेश की स्ट्रा रिपर है, ये क्या साइज में है अपनी? ये इसका साइज है जी 57 इंच। परमवीर जी जो अपनी ये न्यू 2023 मॉडल स्ट्रा रिपर है इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये दशमेश 517 के नाम से रिपर बनाई है कंपनी ने, और इस रिपर की एक अलग ही खासियत है। जैसे रिपर तो आपने बहुत सी कंपनियां बना रही हैं अपने देश में, लेकिन सभी एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ये कुछ अलग हटके काम करने वाली कंपनी है। इसने सुपर सीडर में भी अलग काम किया था और स्ट्रा रिपर में भी एक अलग मॉडल लेके आई है। इस रिपर को आप जिस भी ट्रैक्टर पे चलाना चाहो उस ट्रैक्टर के ऊपर चला सकते हो, ये नहीं है कोई पूड़ी बदलने का झंझट नहीं, कोई मशीन मतलब डैमेज होने का डर नहीं, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। अच्छा, सारी जी इसमें अब पूड़ी बदलने वाला झंझट खत्म कर दिया। हाँ जी, पूड़ी बदलने वाला झंझट खत्म कर दिया। इसने चेंजर पूड़ी लगाई है, इधर जो है ये चेंजर पूड़ी लगाई है कंपनी ने। अच्छा जी। और इस चेंजर पूड़ी का ये बेनिफिट है, अगर आप मशीन चला रहे हैं, मशीन चलाने के साथ साथ हमने जैसे सुबह सुबह चक्कर मैच करवा लिए ट्रैक्टर पे, किसी भी कंपनी की रिपर हो चाहिए, उस रिपर का क्या रहता है, फिर वो रिपर सुबह सुबह चक्कर मैच करवाए तो दोपहर को अपना ट्रैक्टर खुला ज़्यादा चलने लग गया, ट्रैक्टर खुला चल रहा है, मशीन लोड नहीं ले रही पूरा, तो फिर वो चक्कर तो मैच नहीं हो पाई पूड़ी के हिसाब से। इसमें ये है, अगर हमने 8 बजे सुबह चक्कर ट्रैक्टर के हिसाब से जितना ट्रैक्टर लोड ले रहा है उसके हिसाब से इसके चक्कर सेट कर लिए एक बार, तो दोपहर को हमने दोबारा पूड़ी वगैरह उठाने की कोई चाबी पाना उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा इसके अंदर एक हैंडल दिया हुआ, इधर वो हैंडल लगाओ, एक मिनट वो हैंडल दिखाना ज़रा, अंदर एक हैंडल दिया हुआ है ये। इसमें हैंडल का ये है कि इसमें चलती हुई मशीन में ही आप इसके चक्कर अप डाउन कर सकते हैं थ्रेसर के। अच्छा। इसका है चक्कर घटाने बढ़ाने के लिए एक ये पन्ना है। अच्छा। इस पन्ना को आप इसमें लगाएंगे इस नट के साथ में, और ये इसको घुमा देंगे ऐसे। अच्छा। घुमाने से ही इधर मीटर लगाया हुआ है कंपनी ने, जैसे ये मीटर है इसके अंदर चक्कर मैच हो जाए, चक्कर शो करेगा ये मीटर भाई थ्रेसर के कितने चक्कर हैं। ये अपन जैसे 827 चक्कर पे अपना ट्रैक्टर खुला चल रहा है, तो 827 चक्कर के ऊपर ही ये मतलब अपना रिपर सही चल रहा है, तो ट्रैक्टर लोड नहीं ले रहा, रिपर भी खुला चल रहा है, तो ये अपना चक्कर मैच हो गया। दोपहर को अपन ने चक्कर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर अपना खुला ज़्यादा चलने लग गया, मशीन के चक्कर कम है, तो फिर दोबारा पूड़ी चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर थोड़े से चक्कर बढ़ा दो, इसके 900 चक्कर कर दो, 800 कर दो, जितने मर्जी ये चेंजर पूड़ी के हिसाब से 600-700 चक्कर अप डाउन कर सकती है। इसका सबसे बड़ी उपलब्धि यही है इसकी, यानी कंपनी ने किसान का जो अपना ट्रैक्टर वाला उसका दिहाड़ा बिल्कुल खत्म कर दिया है, एडवांस फीचर दिया अलग कंपनी। एडवांस क्या जी भाई साहब, जैसे कई कंपनियों ने तो इसमें क्या किया है, जैसे कई कंपनियों ने गियर मल्टी गियर स्पीड गियर लगाया है, उससे तो उसमें मतलब गिरारी निकालो, गिरारी अलग से खरीद के लानी पड़ेगी कस्टमर को, 4-5 हज़ार रुपये का सेट आएगा, लेकिन ये रिपर में कोई गिरारी बदलने की जरूरत नहीं है, कोई फैन बोल्ट बदलने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा सिस्टम इस पूड़ी के अंदर ही ऐड कर दिया इन्होंने। और साथ के साथ जैसे अपना ट्रैक्टर चल रहा है, इस पूड़ी के काम फायदे बहुत हैं, जैसे ट्रैक्टर चल रहा है अपना, ट्रैक्टर चल रहा है, अगर आप बार बार किल्च देंगे ट्रैक्टर लोड ले रहे हैं, किल्च प्लेट में शिकायत आएगी, इंजन मरेगा, और अगर मतलब इसका ये काम है ना, तो ये ट्रैक्टर को किल्च प्लेट को मरने देगी, ना ही मतलब ट्रैक्टर का इंजन डाउन जाएगा और ना मशीन डाउन जाएगी, मशीन की तोड़ फोड़ नहीं होगी, क्योंकि सही ट्रैक्टर के साथ मैचिंग करके चलेगे चक्कर, तो किसी चीज़ में नुकसान नहीं होगा। ये पूरे किसान के ही तमे बना दी जो ये कंपनी स्ट्रा रिपर है। बिल्कुल। और इस रिपर को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था इस कंपनी को, मतलब ये नेशनल अवार्ड ही कंपनी है दशमेश मलेरकोटला। अच्छा।
और यूवी जैसे, हाँ ये बात है, इसका क्या है अपन जैसे उस टाइम पे रिपर चलाते हैं उस टाइम पे फूस होता है जो पेट्रोल का काम करता है, वो थोड़ी सी चिंगारी में आग लगने का डर रहता है। तो जैसे किसान भाई इसके ऊपर 50-60 लीटर का टैंक रखते हैं पानी का, तो 50-60 लीटर पानी का टैंक रखने से ये क्या है सारा लोहा का काम है इसमें, और खेतों में उबड़ खाबड़ जमीन में चलता है तो प्लास्टिक का टैंक होता है जो उसमें मतलब हिल डुल के वो सारा मतलब लीक हो जाता है टैंक। तो 50-60 लीटर पानी इसकी बजाय ये जो ये लगाया है ये आग बुझाने के लिए, ये 100 लीटर पानी अगर आप मशीन में रखेंगे उसके बराबर ये अकेला काम करेगा। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो कंपनी ये साथ के साथ में मतलब आग बुझाने के लिए कोई मिस हैपनिंग ना हो कस्टमर के साथ किसान के साथ उसके लिए ये दिया हुआ है। और जितनी भी मशीन है ये सारी की सारी आफ्टर पेंट फिटिंग है। अच्छा जी, जो पेंट हुआ इसके पहले पेंट हुआ हर एक पुर्जा को, और पाउडर कोटेड पेंट है। अगर आप इसके ऊपर स्क्रैच मारेंगे नहीं लगेगा, बाहर खड़ी रहने दो मशीन को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये सारा का सारा पाउडर कोटेड पेंट है जैसे अपनी गाड़ियों में ट्रैक्टरों में उसमें आता है वो। और दूसरी बात जैसे जाल की है, जाल चेंज जाल सेट करने के लिए किसान ने कभी ऊपर करना पड़ता है जाल कभी नीचे करना पड़ता है, उसके लिए इन्होंने बाहर ही फिटिंग दी है जाल की। जहाँ भी हमने सेट करना जाल ब्लेडों के नज़दीक लगाना या दूर हटाना है वो बाहर से ही दोनों इसके ये बोल्ट लगा के बाहर से ही सेट हो जाएगा जाल। तो करमवीर जी आप इसके बैक से और बताइए थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। बैक से ये सारी की सारी मशीन है जो फोल्डेबल है। अच्छा। आप इसका ये नहीं है कोई वेल्डिंग लेस मशीन बनाई है कंपनी ने, जहाँ से भी कोई पुर्जा खोलना चाहोगे आप इसका वही पुर्जा खुल जाएगा। जैसे अब ये हुक लगाया है, बहुत सारी कंपनियां इस हुक को वेल्डिंग करते हैं लेकिन इन्होंने बोल्ट के साथ दिया है ये, कोई दिक्कत आती है तो इसको खोल सकते हैं। ये पंखे हो गए इसके जो इधर की है, ये पंखे हैं इनके अंदर लपेट लगती है, आप शायद ना समझो इसको किसान भाई अच्छे से जानते हैं। जो लपेट है इसकी 5-7 mm की जो चादर होती है उसकी लपेट बनी हुई है पूरी मोटी हैवी, मतलब 4-5 सीजन में भी लपेट का कोई इशू नहीं रहेगा ख़राब होने का। अगली बात रहेगी जैसे अपनी मशीन चौक होगी तो किसान भाइयों को बड़े दिक्कत होती थी मशीन को चौक तोड़ने के लिए। इसमें नीचे इधर ये दिया है खिड़की लगाई है, इधर आप इसको खोल दो नीचे से मशीन की चौक टूट जाएगी ट्रैक्टर से ही। ऐसे नहीं है भाई हमने कोई और अलग से औजार लेके आना पड़ेगा इसके लिए, हर एक मतलब एक एक फीचर अलग से दिया कंपनी ने, सबसे अलग हटकर काम किया की बात 10 में इस मलेर को। हाँ जी हाँ जी, जैसे इस मशीन में पूरा का पूरा 20 क्विंटल वजन है। अच्छा। बहुत सी कंपनियां जो है मशीन के अंदर 18-15-17 क्विंटल वजन होता है लेकिन इन्होंने कंटा का तोल करके पूरा का पूरा वजन दिया 20 क्विंटल, पूरी हैवी मशीन है। और बात करें इसके चैन कवर बेल्ट कवर टायर की, BKT के कंपनी बड़े वाले टायर दे रही है, बिग टायर हैं ये, 650-20 के इसके अंदर टायर दिए हैं। हाँ जी, तो करमवीर जी अब थोड़ी साइड से और हमें जानकारी दीजिए। ये जैसे ये फैन बेल्ट के कवर दिए हैं जो इनका काम है, जैसे कोई भी अपना किसान है मशीन के आसपास आता है तो उसका कोई कपड़ा या मतलब कोई भी जो सर पे बांधते हैं परना वगैरह वो इसके अंदर ना फंसे, इसके लिए चैन कवर वगैरह दिए हुए हैं सारी की सारी जगह। करमवीर जी हमें एक बात और बताएं, हमने बहुत सारी कंपनियां स्ट्रा रिपर देखे हैं, उनमें जो अपना ये बूम होता है ये बीच में दिया होता है, 10 में कंपनी ने साइड में क्यों एडजस्ट किया है? ये इसका कारण ये था जी, जैसे ये बीच में देती हैं सारी की सारी कंपनियां सेंटर में लगाती हैं, और इसका इधर देने का कारण ये था कि जैसे किसान भाई है मशीन खड़ी है अपनी, अब जैसे इसको ऊपर से उतारने के लिए मशीन के इधर पैर रख के ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ता है जमींदार को, और ये यहाँ भी ब्लेड लगे हैं, ये इसका मतलब सारा का सारा पार्ट है जो लोहे का है उसमें क्या होता है जमींदार का किसी किसान भाई का भी पैर अगर फिसल गया तो उसको स्वाभाविक सी बात है चोट तो लगेगी पक्की लगेगी, तो इसके लिए ये कंपनी ने इधर रख दिया इस साइड में, इसको ऐसे खोल के और इधर से ही नीचे खड़ा किसान भाई पीछे ट्राली में डाल सकता है इसको, इसका ये है। तो करमवीर जी जो अपनी स्ट्रा रिपर का हुक है थोड़ी इसके बारे में और जानकारी दीजिए, थोड़ा अलग सा लग रहा और कंपनियों से। हाँ जी, ये जैसे हुक है अपना, इस हुक का इस हुक की खासियत ये है जैसे आपने देखा हुआ बहुत सी कंपनियां एक मोटी सी रोड लेके और उसके ऊपर 2 पत्तियां वेल्डिंग कर देती हैं, और वो वेल्डिंग करने के साथ में मतलब इधर वो हो गया अपना, जैसे अपनी रिपर की पूरी कटाई करते हैं अपन मुड़ाई करते हैं ट्रैक्टर को घुमाते हैं तो वो रिपर के इधर ये जो फट्टी होती है ये रिपर के इधर फंस जाती है, और इसका जो ये बूम है इसको तोड़ देती है इधर से,
इसका हुक है जो ये मतलब इसके अंदर पूरा बूस लगा के पीछे चेक नट दिया है, और ये पूरा का पूरा हुक है जो ढलाई का है। अच्छा, इसमें ना तो इसमें मतलब इसके ये जो ये गर्दन है इसकी ये टूटने का खतरा रहता है इसमें, और ना ही मतलब हुक का पूरी सेफ्टी हुक की भी रहती है, और हुक अपना जो है ये ढलाई का है सारा। हाँ जी, तो जो अपनी मशीन की अपनी गर्दन बोल देते इसको देसी भाषा में, इसके में भी कोई सुधार किया? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल किया इसमें। जैसे आप देखोगे सारी की सारी कंपनियों ने ऐसे सिर्फ ऐसे चैनल टाइप में मोड़ रखी है, ये हिच है जो इसकी, और इन्होंने नीचे एक ये कन्नी अलग से निकाली है इसकी, इसके साथ में ही बेंडिंग की है ये मशीन से। इसका क्या कारण है, ये जैसे अपनी ये हुक होता है इसका ये आगे वाला हिस्सा है जो ये गर्दन, अगर हम ट्रैक्टर का ज़्यादा जोर लगा दे कहीं मशीन फंस गई तो ये यहाँ से क्रैक हो जाती है वहाँ से, इसके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। ये पत्ती अलग से ये मतलब 4-5 ट्रायंगल में मोड़ दी है, ठीक है। इसका एक ये है जी। हाँ जी, तो करमवीर जी जो अपने स्टार रिपर की रील है, मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे, इसमें क्या कुछ अलग किया कंपनी ने इस बार? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये इसमें क्या है, ये अपनी रील है जो इस कंपनी की, इसने सारी की सारी मशीन मैंने आपको शुरुआत में बताया था फोल्डेबल मशीन बनाई है। आप कहीं से भी कोई एक बोल्ट खोलो, आपने ये नहीं है एक चीज़ खोलने के लिए 4 चीज़ें अलग से खोलनी पड़ेंगी। इसमें इन्होंने फोल्डेबल किया है, जैसे ये एक पाइप में कोई अपना एक बुश में कोई दिक्कत आ गई, इसको आप यहाँ से उठाओ ये सारा का सारा पाइप उठ जाएगा, एक दो नट वहाँ है, दो नट वहाँ है, एक तो ये है इसका। अगर फिर भी हमारी कोई रील में और भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मान के चलिए बीच वाला पाइप में दिक्कत आ गई तो हमने पूरी रील उठा के लेके जानी पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसने इधर भी फोल्डेबल सिस्टम दिया, आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं दिया ये। ये हमने 3 नट खोले इसके, और इस ये जो कट दे रखे इसके अंदर से ये पार हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये पाइप लेके जाना हमने मिस्त्री के पास। ये है इसकी रील की, ये है अलग से ही, मतलब किसी भी कंपनी ने आज तक ना दी है, और मेरे ख्याल में अभी तक सोच भी नहीं बनाई होगी इसके बारे में किसी कंपनी ने। यानी सबसे एडवांस अब तक 5 साल एडवांस चल रही है जी। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है जी। हाँ जी, और तो करमवीर जी जो अपनी स्ट्रा रिपर का कटर हो गया, थोड़ी इसके बारे में और जानकारी दी। हाँ जी, ये जैसे ये कटर है इसका, आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियां मशीन बनाती हैं वो इधर एक एंगल टाइप में लगा देती हैं, उसका एंगल लगा के और नीचे पतली हल्की जो चादर होती है वो लगा देती हैं। इस मशीन में कोई भी वेल्डिंग नहीं है, जो सारा का सारा कटर बना हुआ है ये 5-6 mm की चादर में बना हुआ है, और पूरा का पूरा इसके ऊपर से घुमाया हुआ है ऐसे, ये पूरी की पूरी एक चादर है इसकी। ये नहीं है कि भाई जहाँ दिखने वाली चीज़ है वहाँ मोटाई लगा दी और अनदर मतलब नीचे वाली साइड में बारीक कर दिया। अब चाहे इस मशीन को आप 10 साल चलाओ 15 साल चलाओ, लेकिन कटर में बहुत सी मशीनों के सुराख हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है कटर लोहा घिस घिस के, ये मतलब ख़त्म होने का वो नहीं है, सारा का सारा लोहा लग रहा है जो टाटा स्टील का लोहा लगा हुआ है इसमें, ठीक है। यानी कि जो अपनी स्ट्रा रिपर दादा ले पोता बर्तवा बात होगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो करमवीर जी जैसे कि मैंने ये स्ट्रा रिपर देखी है, इसका जो झरना है ये भी थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है और स्ट्रा रिपर से। हाँ जी, हाँ जी, ये जैसे इसमें क्या है, ये मतलब मैंने आपको शुरुआत में बार बार बताता ही रहा हूँ मैं आपको, भाई ये अलग से बनाते हैं, अलग से ही मतलब कोई नया डिजाइन लेके आते हैं। और मशीनों का देखोगे आप झरना है जो वो टायर की साइड ऐसे हिलता है, जैसे ऐसे हिलता है वो, और इस मशीन का झारना है जो आगे पीछे ही लेगा। अच्छा, उसका कारण ये है, जैसे कई बार क्या होता है कस्टमर जो किसान होता है जो वो कंबाइन से कणक निकलवाता है, तो उसके अंदर कंबाइन में कोई छोटा मोटा फॉल्ट होने के कारण बैल जो कणक की बालियां होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, और उसको स्ट्रा रिपर उठाता है, तुड़ी वाला रिपर उठाता है, वो दाने साफ नहीं निकालती बहुत सी मशीनें। इसने मतलब आप चाहे कंपाइन से निकलवाए वो अनाज देख लेना, चाहे स्ट्रा रिपर से निकला वो अनाज देख लेना, या थ्रेसर से निकला, सेम टू सेम अनाज मिलेगा आपको इसके नीचे जो ये धारणा, इसलिए इन्होंने ऐसे आगे पीछे हिलता किया है। और इसकी तरह कर दिया ये। हाँ जी, और रही बात जो ये बैरिंग है, हर कंपनी आजकल TR कंपनी के बैरिंग लगा रही है। TR कंपनी कहाँ की है ये जमींदारों किसान भाइयों को नहीं पता होता, TR कंपनी चाइनीज है, चाइना की है, चाइना की मतलब। लेकिन हाँ ये बात है कि बैरिंग पूरा आज के दिन पूरे चढ़ाई में है, लेकिन वो माल नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। इन्होंने स्पेशली ये डिजाइन भेज के कोरिया से बैरिंग मंगवाए हैं। अच्छा जी, जितने मशीन में मेड इन कोरिया बैरिंग है सारे के सारे, विदेशी बैरिंग लगे हुए हैं सारे। हाँ जी, तो करमवीर जी जो अपनी स्ट्रा रिपर के रूटर के बारे में रखता है। हाँ जी, जैसे रूटर है इसका, रूटर का क्या है, इसमें अलग अलग जैसे कंपनियों में देखोगे आप इनके सभी के ब्लेड एक नट के साथ, एक दो नट के साथ एक ब्लेड खुलता है। और इसमें क्या है, इसमें ये है कि भाई अपने दो नट के साथ दो ब्लेड खुलेंगे,
ये बहुत सी कंपनियों में आपने नहीं देखने को मिलेगा, ये इसी कंपनी में मिलेगा। रहेगी बात रूटर की मजबूती की, आप देखोगे मजबूती के मतलब ये जो प्लेट लगी होती है ये 4 प्लेट मिलेंगी आपने पूरे की पूरी। किसी भी कंपनी की मशीन चेक कर लेना आप, सिर्फ इसमें 5 प्लेट मिलेंगी आपको। रूटर में अगर कोई लोहे का या कोई मतलब हार्ड चीज़ भी फंस जाती है, रूटर में बैलेंस होने का कोई ख़तरा नहीं है इस मशीन में। रहेगी बात ये बास्केट वाली, ये अलग से फीचर है इस कंपनी का। अच्छा, अलग से लगाया है ये, बहुत सी कंपनियों में नहीं मिलेगा आपको ये भी। इसकी क्या खास बात है जी? ये जैसे हमारा एक बास्केट नीचे हो गया एक ऊपर हो गया, नीचे वाला भी कटिंग करेगा माल की और ऊपर वाला भी करेगा, मतलब कोई भी चक्कर खाली नहीं जाएगा इसका मशीन का। जो लंगा होता है इसके अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो बना के तूड़ी उसकी पीछे धकेलते रहेंगे। यानी बढ़िया तूड़ी बनाएगा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जी। 7.5 फुट का इसका कटर है, ठीक है, कटर बार बोलते हैं इसको, ये 7.5 फुट का है। और आपने देखा होगा ये कंपनी एक ही मॉडल बनाती है 57 इंच सिर्फ। अच्छा, 61 इंच मशीन आती है कई कंपनियों की, कई कंपनियों की 62 इंच आती है, कई कंपनियों की 63 इंच आती है। उनके मुकाबले में ये एक दो ट्राली फालतू भरेगी, और छोटी मशीन नहीं है ये, आप इसको बोलते छोटी, लेकिन काम ये बड़ी मशीन से भी ज्यादा करेगी, क्योंकि इसके अंदर फीचर अलग है। जो ट्रैक्टर अपना दिन में 20-25 ट्राली भरता है वो 27-28 ट्राली भरेगा इस मशीन के ऊपर, ठीक है। 2-4 ट्राली होगा वो रहेगा। और अच्छा जी, तेल की खपत कैसी क्या रहेगी? तेल की खपत तो भाई साहब इसमें ऐसा है ना, जो चक्कर मैच हो गए, चक्करों के साथ डीजल खाता है ट्रैक्टर। अगर ट्रैक्टर नहीं दबेगा तो डीजल कहाँ से खाएगा? अगर और कंपनी की रिपर चलाओगे आप, उसमें ये मान के चलो आप अगर 5 लीटर में ट्राली भर रहे तो इसमें 4.5 लीटर में या 4 लीटर में ट्राली भर देगा ये, 50-60 रुपए 100 रुपए तक मतलब हर ट्राली बचत का किसान की बचत करेगा ये, ठीक है। तो आप अपना मीटर चेक करो अभी, आप मीटर पे आप देखो चक्कर कैसे कम ज्यादा हो रहे हैं अपनी रिपर के। जो अभी ये 365, 64, 63, 60, 59, 58 कुछ इस प्रकार से इसके चक्कर को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। और अपने कर्मवीर जीवन देखो, सिर्फ इसे एक बोल्ट की सहायता से अपने चक्करों को कम ज़्यादा कर दिया है, जो अपना इसके साथ रोड दी है। और अपने देखो मशीन की स्पीड, अभी आपको मीटर और दिखाते हैं। अभी देखो आप मीटर पर 400 चक्कर, 396, 97, अभी देखो आप 380, 346, 335 चक्कर हो गए अपने। कुछ इस प्रकार से जो अपना एडवांस फीचर दिया कंपनी ने, सभी कंपनियों से दूर हटकर। और इसी के साथ में मतलब ये आप चक्कर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर हमने 8 चक्कर घटाने पड़ गए, 10 घटाने पड़ गए, वो भी सिर्फ एक पन्ना की वजह से ही हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो करमवीर जी, जो अपने इसके चक्कर है वो कम से कम और ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं? इसके चक्कर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा तेज 750-800 चक्कर तक कम ज्यादा कर सकता है, मतलब 0 से लेके आप 850। अच्छा, और उससे मतलब 850 से 0। अच्छा, ये मतलब कम ज्यादा कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसके अंदर कम ज्यादा। अच्छा जी, ठीक है जी। तो किसान भाई अपने चक्कर देखो, अभी आप 630, 640, 650, 700, 850 चक्कर हो गए हैं मशीन के। और वाइब्रेशन देखो, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं अपनी मशीन के अंदर। चक्कर दिखाते हैं आपके तो एक बारी, ये देखो 950, 246 चक्कर तक अपनी मशीन चल रही है बड़े आराम से, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। आपको लाइव डेमो दिखा दिया हमने। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर और दे जिससे कोई किसान भाई संपर्क कर सके। मेरी दुकान का नाम है बरवाला एग्रो वर्क्स, जींद रोड बरवाला। मोबाइल नंबर है 9812997254, 98129-97254। ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला जी, आपका भी।